कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई को लखनऊ में बारिश के बीच युवकों के हुड़दंग करने वाले मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। गोमती नगर इलाके में हुई इस घटना में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। वहीं हुड़दंग मचाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल 31 जुलाई को लखनऊ के गोमती नगर स्थित ताज होटल के निकट बने अंडरपास के पास बारिश से जल भराव हो गया था। यहां से आने जाने वाले राहगीरों और वाहनों के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा हुड़दंग गई तथा अन्य आपत्तिजनक गतिविधियां की गई। वायरल वीडियो की मदद से बाकी आरोपियों की खोज की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, क्राइम टीम को भी लगाया गया है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो ने एक शख्स अपनी बाइक से महिला को लेकर जा रहा था। हुड़दंग मचा रहे युवकों ने उन पर पानी फेंका, उसके साथ अभद्रता की गई। इस बीच बाइक चला रहा शख्स गिर गया, महिला भी बाइक से गिर गई। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में मामला दर्ज किया गया। आरोपी युवकों को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीम बनाकर और क्राइम टीम को लगाया गया। अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर प्राप्त साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धारा 191, 235, 272, 285 और 74 लगा दिया गया है। बता दें कि BNS 2023 में मामला दर्ज किया गया है। वहीं बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लखनऊ पुलिस ने क्षेत्र में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में लापरवाही बरतने पर स्थानीय पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। स्थानीय प्रभारी, निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें स्थानीय पुलिस उपायुक्त प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमित कुमावत और सहायक पुलिस आयुक्त अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वहीं स्थानीय प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार पांडे, चौकी इंचार्ज ऋषि विवेक और चौकी पर मौजूद उप निरीक्षक कपिल कुमार, कांस्टेबल धर्मवीर और वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।